हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके चैनल टेक ऐप में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर दबा के जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल को भी दबाएं, जिससे जो भी हमारे न्यू वीडियो डालें वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये है कि एमएस डॉस क्या होता है, कंप्यूटर में कमांड क्या होता है, इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, और इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, और ये सीखना क्यों ज़रूरी है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। सिंपली आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, और अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पस यही होता है कि अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उससे कुछ सीख ना पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रन खोल लेना है। तो रन खोलने के लिए हमें स्टार्ट पे क्लिक करना होगा और उस पर टाइप करना होगा रन। तो रन को आप दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं, शॉर्टकट की से विंडो प्लस आर दबा के आप खोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा रन आ गया है। रन आने के बाद आपको यहाँ पर CMD टाइप करना है। CMD मतलब कमांड होता है उसका। CMD पे ओके करेंगे आप, और ओके करने के बाद आपके पास ऐसा कमांड आ जाएगा, मतलब ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ डॉस क्या होता है, कमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैंने पहले ये सारा कुछ लिख लिया है। और ये मैं आपको जितना कुछ मैंने ये लिख रखा है, ये सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे अगर आपको नोट करना हो तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ में कॉपी करके नोट कर सकते हैं इसको। तो आप देख लीजिए डॉस क्या होता है, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीज़ें अब आप इसको पूरा आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा। अगर मैं इसको पढ़ के समझाने लगा तो और वीडियो बड़ा होगा। इससे आप इसको सिंपल भाषा में लिख रखा है मैंने, इतना कुछ हाई फाई नहीं लिखा है, जिससे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, बाकी मैं साथ में थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा। अभी मैं आपको कमांड सिखाना सिखाऊंगा। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि सिंपली होता क्या है। ये हमारा एमएस डॉस है, डॉस की फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डॉस के बारे में लिखा हुआ है पूरा, डॉस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा कमांड है, ये हमारा कमांड है। और कमांड क्या होता है, कमांड इज एमएस डॉस रिटन प्रोग्राम विच इज यूज टू रन सिक्स टास्क ऑफ प्रोग्राम। कमांड कितनी प्रकार की होती हैं, कमांड दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड। ठीक है, तो एक्सटर्नल कमांड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक्सटर्नल कमांड में यही होता है कि जो हम कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, किसी भी चीज़ को रीनेम करते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल कमांड होता है। एक्सटर्नल कमांड में सिंपली इतना ही है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा मेन इंटरनल कमांड, जो कि हमें देना सीखना है। ठीक है, इंटरनल कमांड क्या होता है, डेट टाइम डायरेक्टरीज जिसको हम DIR कहते हैं, वॉल्यूम वर्जन एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसको कैसे देते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास 8 कमांड है। ठीक है, अब 8 कमांड को हमें देना कैसे है, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, अभी मैं आपको वॉल का सिखाऊंगा। वॉल क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वॉल्यूम ऑफ टारगेट डिस्क। ठीक है, तो अभी हम इसको देखेंगे VOL। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ये ओपन हो गया है। अब हम इसमें टाइप करेंगे VOL। ठीक है, एंड एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप वॉल्यूम, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से चला गया होगा, वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल वॉल्यूम सीरीज नंबर इज A6। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वॉल आ चुका है, मतलब वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब हम दूसरी कमांड देंगे, तो दूसरी कमांड के लिए फिर हम पढ़ेंगे दूसरी कमांड हमें कैसे देना है, लेवल। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द करंट वॉल्यूम ऑफ टारगेट डिस्क। ठीक है, अब ये वाली कमांड देंगे लेवल LAVEL, फिर एंटर प्रेस करेंगे और देख सकते हैं वॉल्यूम इन ड्राइव सी हैज नो लेवल वॉल्यूम सीरीज। तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम मतलब लेवल भी आ चुका है। अब हम देखते हैं वर्जन, जो कि हमारे कंप्यूटर का क्या वर्जन है। तो देखिए, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वर्जन ऑफ एमएस डॉस। ठीक है, तो अब हम वर्जन को देखेंगे, फिर हमें एंटर प्रेस करने के बाद में वर्जन लिखना है VER, फिर एंटर प्रेस करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन 6.1.7601। तो ये हमारा वर्जन आ गया है कंप्यूटर का, आप देख सकते हैं। मैं वहाँ से आपको समझा के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ पर समझ में भी आए और यहाँ पर आपको पता भी लगे। ठीक है, तो हमारा अभी तक हमारा वर्जन तक हो गया है। ठीक है, अब आता है हमारा टाइम। दिस कमांड इस टाइम से आप समझ सकते हैं कि टाइम की बात हो रही है तो टाइम का ही होगा।
This command is used to display the current system time and also provides facility to change system time. तो यहाँ से आप टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी मैं आपको टाइम देना सिखाऊंगा. तो यहाँ पर आपको टाइप करना है time time और एंटर प्रेस करना है. देखिए द करंट टाइम इज जो भी मतलब 15:21:1984 हो रहा है, ये आ गया है. एंटर द न्यू टाइम, अगर आपको टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ पर टाइम एंटर कर सकते हैं, ठीक है. अब उसके बाद में हमारा आ जाता है डेट. तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डेट है. दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट एंड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू चेंज सिस्टम डेट, ठीक है. तो अब हम फिर उसी की तरह हमें डेट लिख देना है DATE और फिर एंटर प्रेस करना है. और योर करंट डेट इज संडे 07/14/2019. तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मेरे सिस्टम के पास भी यहाँ पर डेट देख सकते हैं जो डेट हो रही है. तो डेट का भी ये हो गया हमारा. और अब हमारा होता है ट्री. तो दोस्तों ट्री क्या होता है, जो भी आपके कंप्यूटर में जितना भी आपने फोल्डर्स बना रखे होते हैं उनके बारे में आपको मतलब उसके अंदर अंदर जितने भी फोल्डर होते हैं उन सबको दिखाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डायरेक्टरीज ब्रांच बाय ब्रांच, ठीक है. तो डायरेक्टरी से दिखाएगा ब्रांच, मतलब उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस हैं सबको दिखाएगा. तो चलिए हम टाइप करते हैं. पहले हमें एंटर प्रेस करना होगा. जब तक ये यूज़र मोंटी या फिर आपका जो भी यूज़र होगा वो नहीं आएगा तब तक ये जो कमांड हम देते हैं वो काम नहीं करेगी, ठीक है. तो अब हम डालेंगे ट्री. डालने के बाद हमें सिंपली एंटर प्रेस करना है. और देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे आ चुका है, जैसे कि डेस्कटॉप पे है न्यू फोल्डर और प्रिंट एक्नोलिजमेंट. देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट में अपर सॉफ्ट, ये सारा कुछ मतलब जो फोल्डर के NFS मोस्ट वांटेड, उसके अंदर रॉक MJ, फिर उसके नीचे डाउनलोड्स, मतलब वन बाय वन मतलब जितने भी अंदर होते हैं उसके अंदर सारे दिखा देता है. जैसे कि एक ट्री की जो होती है मतलब जड़ एक ही होती है लेकिन ब्रांचेस उसमें बहुत सारी होती हैं. ऐसे ही ये क्या करता है, सी ड्राइव को लेकर उसके अंदर जितना भी हमने फोल्डर बना रखा रहता है वो सब दिखा देता है, अंदर के सारे फोल्डर्स दिखा देता है वो, ठीक है. तो ये हमारा ट्री हो गया. अब हमारे सिंपली दो बचे हुए हैं, दो कमांड हमारी बच रही हैं. एक बचा है हमारा CLS, एक बचा है हमारा exit, ठीक है. तो CLS मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ. दिस कमांड इज यूज टू क्लीन कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन. तो एक दोस्तों प्रॉम्प्ट भी होता है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अभी मैं आपको कमांड सिखा रहा हूँ. तो देखिए ये जितना भी हमने लिखा है ये सारा कुछ ये इरेज कर देगा जैसे ही हम CLS करके एंटर प्रेस करेंगे. देखिए आप हो गया ये, ठीक है. अब हम लास्ट वाला भी बता देते हैं आपको जल्दी से. एग्जिट का तो नॉर्मल से सबको पता है बाहर जाने के लिए. दिस कमांड इज यूज टू क्वाइट MS-DOS प्रोग्राम. तो जैसे ही हम एग्जिट लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. देखिए तो ये हमारा बंद हो चुका है, ठीक है. तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये जो भी मैंने सारा कुछ सिखाया आपको, आज मैंने आपको कमांड सिखाया, कमांड क्या होता है, कमांड के अंदर दो इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड होती है, MS-DOS क्या होता है और उसके सारा डेफिनेशन के साथ बताया है. मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको कोई सी भी कन्फ्यूजन है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और जितना भी मैंने ये डेफिनेशन लिखा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं. और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो, जिस भी चीज़ के ऊपर चाहिए होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर बना के डालूंगा. और ये थी हमारी आज की वीडियो. अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड्स.